हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल CSC ऑल जॉब्स ऑनलाइन में। दोस्तों, बात करेंगे आज बात करेंगे हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। दोस्तों, इसकी जो है आंसर की जारी हो चुकी है, तो आपको मैं बताने वाला हूँ कैसे आप चेक करेंगे अपनी आंसर की। स्टेप बाई स्टेप आपको सारा प्रोसेस समझाया जाएगा दोस्तों। तो आप वीडियो बने रहोगे तो वीडियो को अच्छे से चेक जो है समझ पाओगे कैसे कैसे चेक करना है दोस्तों। तो उससे पहले क्या करना है दोस्तों, चैनल पर आना, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना है। आने वाली सारी नोटिफिकेशन की वीडियो आपको सबसे पहले जो है मिलेगी, अगर आप चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाओगे। ठीक है दोस्तों, तो आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अपने भाई को जितना हो सके सपोर्ट दिखाइए और चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। तो चलते हैं, फिर आपको बताते हैं कैसे आप अपनी जो है आंसर की चेक करेंगे दोस्तों। सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट पर आना है। आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आंसर की का, नीचे आओगे तो यहाँ पे लिख रहा है MPSC STAT 2023 आंसर की। तो MM मध्य प्रदेश की स्टेट की आंसर की जारी हो चुकी है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अगला पेज ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपके जो फॉर्म भरे गए थे जनवरी में भरे गए थे ये जो फॉर्म भरे गए थे आपके जनवरी में भरे गए थे, यहाँ पर देख सकते हैं 27/1/2023 में भरे गए थे। लास्ट डेट इसकी 26/2/2023 थी। तो आपकी जो आंसर की जारी हुई है वो साफ साफ यहाँ पर देख सकते हैं, नीचे आपको मिल जाएगा 22/9/2023 में आपकी आंसर की जारी हो चुकी है। देख सकते हैं आप 22/9/2023 में जो है जारी हो चुकी है आंसर की। आप डाउनलोड कैसे करना है अपना आंसर की वो चेक कर लीजिए। नीचे आना है, नीचे आने बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड आंसर की ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे क्लिक कर लिख रहा है दोस्तों। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में कोई आपको आपत्ति दर्ज करनी है तो पे ऑब्जेक्टिव फीस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक कर तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से जैसे मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे इस तरह का कुछ ऑप्शन खुल जाएगा है। यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है वो आप समझ लीजिए। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है अपना, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालनी है और उसके बाद वैलिडिटी एंड सेंड OTP पे आप क्लिक करोगे तो आपके नंबर पे OTP जाएगा जो आपने फॉर्म भरते टाइम भरा था। उस OTP को आप डालोगे और आपकी जो है लॉगिन हो जाओगे, वहाँ पर आप आंसर की अपनी देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो मेरे पास किसी बच्चे का डाटा नहीं है, नहीं तो मैं आपको निकाल के भी दिखा देता। ठीक है दोस्तों, फिलहाल मेरा वीडियो यही था कि आपको मैं सूचना दे दूं। और दूसरा रही आपत्ति की बात, तो आपत्ति पे जब जाओगे ना पे ऑब्जेक्टिव फीस पे आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सेम यही प्रोसेस है, यहाँ पे देख सकते हैं पे फॉर अनफाइल्ड। तो यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद एक कैप्चा डालना है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक करोगे आप और क्लिक करने के बाद आपका लॉगिन हो जाएगा और वहाँ पर आप अपने जो है आपत्ति दे सकते हो। अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन गलत है, आपने ठीक किया है बट उनकी तरफ से क्वेश्चन गलत आ चुका है, तो आप ऐसे भी अपना आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। बाकी आप चेक कर लीजिए, अगर पहले अगर आपको लगता है सारे क्वेश्चन अच्छे हैं आपके लिए जो जो आपने किए हैं, तो आपको आपत्ति दर्ज कराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, पैसा खर्च करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आप चेक कर लीजिए और जल्दी से जल्दी आप जो है चेक करके अपना देख लीजिए आपके नंबर कितने आए हैं कितने नहीं। ठीक है दोस्तों, आपको अगर मेरे से चेक कराना है तो आप मेरे दोस्त से भी चेक करा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन करना है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप ज्वाइन करोगे। ज्वाइन करने बाद आप मुझे अपना एप्लीकेशन नंबर एंड मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ आप मुझे सेंड करोगे। आपको मैं निकालने के बाद आपको मैं जो है टेलीग्राम के द्वारा ही व्हाट्सअप कर दूंगा, ओ सॉरी टेलीग्राम कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप मेरे से भी निकलवा सकते हैं, बाकी मैंने प्रोसेस बता ही दिया है आपको कैसे कैसे निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो आपकी इच्छा है, जैसे भी आपको ठीक लगा वैसे आप कर लेना। तो उम्मीद करता है वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी मध्य प्रदेश विद्यार्थी स्टूडेंट के पास, जो उन्हें पता चल सके कि इसका MPPS की आंसर की जारी हो चुकी है स्टैट की। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए। कुछ पूछना हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और आप मेरे चैनल को जो है
सब्सक्राइब करना ना भूले, और आने वाली सारी नोटिफिकेशन की वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, वंदे मातरम।